हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अभी मैं आया हूँ नोएडा के सेक्टर 76 में और यहाँ पे एक पार्क है, वेदवन पार्क, जो कि प्राचीन चीज़ों से प्रचलित है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब पुरानी समय की हैं। तो वीडियो बने रही, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ कौन कौन सारी चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लेजर शो होता है, लेजर शो क्या होता है? लेजर शो होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पार्क में पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हम आपको नोएडा की मतलब बिल्डिंगें दिखाते हैं। हमारा नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये मुंबई से कम नहीं है। ये नमा वाला देखो, नमा वाला कितना अच्छा प्यार है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंगें जो हैं वो पूरा मुंबई के जैसे हैं। यहाँ पे पब्लिक बहुत है और यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। तो हमारे मोहित भाई भी थोड़ा लुक दे रहे हैं यहाँ पे तो अभी हम और अंदर चलते हैं, वीडियो बने रहिए। दोस्तों, अभी आपने तो वाटरफॉल देख लिया और मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ जिसको देख के आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये साउंड लगा हुआ है, इसमें रात को भोजपुरी गाना बजता है, भक्ति गाना है। वो दोनों है, वो दोनों। तो दोस्तों, बोलो भाई बोलो। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था, एक विशाल काय चीज दिखाऊंगा, एक अद्भुत चीज जो कि हमारे जस्ट पीछे है। तो दोस्तों देखिए, ये वही चीज है जो हम आपको दिखाने जा रहे थे। ये गौतम बुद्ध का शायद हमारे हिसाब से स्ट्रक्चर है, ये रहा। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम लोग रात को रहेंगे भाई यहाँ पे? नहीं नहीं यार, हम लोग 5 बजे यहाँ से निकलने वाले हैं। 5 बजे लाइट होता है? नहीं नहीं नहीं, 8 बजे लेजर। दोस्तों, हम रात को नहीं रहेंगे, नहीं तो बहुत अच्छा लगता है ये रात को। नाइट लेजर शो चलता है यहाँ पे। तो दोस्तों, अभी हम आपको एक और चीज दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक स्मृति बनी हुई है, वो क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। स्टैचू है। क्या है? छोटा सा स्टैचू है, इसका नाम है दुधराष्ट्र। दोस्तों ये देखिए, इस बच्चे का नाम है दुधराष्ट्र और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। दुधराष्ट्र के अगस्त से और लोपामुद्रा का एक पुत्र है जिसका नाम दुधराष्ट्र है, जिसे कभी 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 इद्माह कहा जाता है। महाभारत में उनका वर्णन एक ऐसे लड़के के रूप में किया गया है जो गर्भ में, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। तो दोस्तों ये पेड़ देखिए, जो कि कचनार का पेड़ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बाहरी देशों से लाया गया है, ये अपने उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे मोहित भाई कुछ कहना चाहते हैं, बोलो। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि नई नई वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।